क्या गैर ही रहेगा गैरसैंण, 17 सालों में नहीं हुआ शहीदों का सपना पूरा, गैरसैंण में सत्र का आयोजन पिकनिक के सिवाय कुछ नहीं। उत्तराखंड में स्थायी राजधानी का मसला एक अनसुलझी पहेली की तरह हो गया है। इस मसले को हल करने के लिए बनी दीक्षित आयोग के कार्यकाल को कमजोर इच्छा शक्ति के आगे 12 बार बढ़ाया गया। इस आयोग को गठन कर सरकारों ने कुछ लोगों को सरकारी धन से पालने का काम तो किया, लेकिन इसके साथ जन स्वीकार्य गैरसैंण गैर होता चला गया। इन 16 सालों में करोड़ों रुपए फूकने के बाद भी सरकारों ने गैरसैंण मामले पर कोई ठोस कदम उठाने का साहस नहीं किया। इस बार राज्य की कमान आंदोलनकारी नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत के हाथों में है, तो जनता की उम्मीदों में भी पंख लगे हैं। क्या इस मसले का हल निकल पाएगा, ये तो भविष्य के गर्द में है, लेकिन प्रचंड बहुमत वाली भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री की कमजोर शुरुआत से तो यही लगता है कि गैर ही रहेगा गैरसैंण। हालांकि उत्तराखंड को अस्तित्व में आए 17 साल हो चुके हैं, परंतु आज तक भी प्रदेश को स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई है। इस मामले पर भाजपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर राजनीति करने का आरोप लगाते रहे हैं। एकलौते क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल भी अपने अस्तित्व को बचाने की जद्दोजहद में राजधानी को भूल गया है। पिछले 17 सालों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सरकारें बारी बारी से उत्तराखंड की सत्ता पर काबिज हुई, लेकिन किसी ने भी इस समस्या का हल नहीं निकाला। हालांकि राज्य में स्थायी सरकार मिलने के बाद गैरसैंण का मुद्दा एक बार फिर उत्तराखंड की सियासत में गरमाने लगा है। विपक्ष स्थायी राजधानी के मुद्दे पर विधानसभा में सरकार को घेरने की तैयारी में है। इसी मसले के समाधान पर पहले भी 2 बार गैरसैंण में विधानसभा सत्र हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई निर्णय जन स्वीकार्य मुद्दे पर नहीं हो पाया। इसके पीछे का एक कारण वोटों की राजनीति और सरकार की कमजोर इच्छा शक्ति भी मानी जा रही है। रुद्रप्रयाग निवासी 90 वर्षीय आंदोलनकारी जगतराम सेमपाल कहते हैं, उत्तराखंड का गठन साल 2000 में हुआ था। पहली तत्कालीन सरकार में बने उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी ने स्थायी राजधानी के लिए एक सदस्यीय दीक्षित आयोग का गठन किया। इस आयोग के कार्यकाल को 12 बार बढ़ाया गया। आयोग की रिपोर्ट शासन की अलमारियों में कैद है। करोड़ों रुपए इस आयोग पर फूकने के बावजूद भी आज तक आयोग की रिपोर्ट पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, ये चिंता की बात है। राज्य निर्माण के वक्त स्थायी राजधानी के लिए केंद्र ने सरकार को 80 करोड़ रुपए की धनराशि भी दी थी, जिससे गैरसैंण में भवन भी बनकर तैयार हो चुके हैं। दीक्षित आयोग ने टेक्निकली और जनमत के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। रिपोर्ट में 4 स्थानों का चयन किया गया था, जिसमें देहरादून के ऋषिकेश के IDBPL, रामनगर, काशीपुर और गैरसैंण जैसे स्थान शामिल किए गए थे। राजधानी को बनाने के लिए 500 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता बताई गई थी। इसके बाद सरकार ने दिल्ली स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग से गैरसैंण में भूगर्भीय सर्वेक्षण भी कराया था। मानकों और जनमत के आधार पर गैरसैंण राजधानी बनने के लिए उपयुक्त जगह थी। तब से गैरसैंण में स्थायी राजधानी का मुद्दा एक अनसुलझी पहेली की तरह रह गया। हालांकि 2012 में कांग्रेस सरकार में तत्कालीन CM रहे विजय बहुगुणा ने गैरसैंण में विधानसभा सत्र कराने की शुरुआत की थी। हरीश सरकार ने भी अपने अंतिम सत्र को गैरसैंण में करवाकर अपनी मंशा बताने का काम किया। इस बार नई सरकार ने गैरसैंण में 2 दिवसीय सत्र कराने के आदेश दिए हैं। सत्र की तैयारियां भी पूर्ण हो चुकी हैं। लोगों को उम्मीद लगने लगी थी पहाड़ की राजधानी पहाड़ में ही होगी, लेकिन इसको लेकर अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक राज्य गठन से अब तक सत्ता सुख भोगने वाली सरकारों की कमजोर इच्छा शक्ति और पहाड़ बनाम मैदान के साथ ही वोट बैंक की सियासत ही इसकी मुख्य वजह रही है। एक बार फिर स्थिर सरकार के साथ ही राज्य आंदोलनकारी नेता के हाथों राज्य की कमान है, तो उम्मीद के पंख फिर से हिलोरे मारने लगे हैं।